नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंडे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये सार्क नेशन की यूनिवर्सिटी है। इसकी जो कॉस्ट है वो 2500 करोड़ है और ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो की है, इसमें कुछ भारत यानी हमारा देश है जो इंडिया, उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, और पाकिस्तान भी था। आई डोंट नो क्या कहते पाकिस्तान ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक लास्ट न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट एक भी पैसा दिया नहीं है। तो खैर वो एक अलग मैटर है। तो दोस्तों जैसा कि आप वैसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, तो उसके बाद वैसे भी पैसा देने को कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी तकरीबन रेडी हो चुकी है और इसमें काम अभी हैंडओवर का स्टार्ट होने वाला बहुत जल्दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर तकरीबन सब कुछ तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ये यूनिवर्सिटी आपको 3-4 महीने में हैंडओवर होती नज़र आएगी। लेकिन ये बता दूं दोस्तों, इसमें दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक तो है शाहपुर जी और दूसरा है अलवालिया। तो जो अलवालिया के पास जो प्रोजेक्ट है, ये अलवालिया के पास जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ऑलरेडी पूरी तरह बन चुका है। और ये प्रोजेक्ट है जो अलवालिया के पास था फर्स्ट फेज में, तो ये प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर यानी पोजेशन में आपको नज़र आएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, देखिए यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरीके से हो चुका है। जो लास्ट वीडियो दिखाया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ग्रासेस वगैरह और ये जो टाइल्स हैं जो लगी हुई हैं रोड पे, ये सब नहीं था, लेकिन अब ये लग चुकी हैं। प्लस इनका रखरखाव भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगल बगल आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ग्रासेस वगैरह लगा दी गई हैं कई जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो इसका फेस था ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो खासकर अलवालिया के पास था। लेकिन अभी भी जो कुछ जो बड़ा पार्ट था, मैं कहूँगा जो शाहपुर जी के पास था, उसके अंदर अभी भी थोड़ा काम चल रहा है। थोड़ा क्या मैं कहूँगा, अभी भी कम से कम 15 से 20% का काम मैं कहता हूँ कि है उसके अंदर, और ज़्यादा मतलब वो इंटीरियर का ही काम है। तो दोस्तों ये चल रहा है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये सारी जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसमें पैसा दे के इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। इसमें आप ये हॉस्टल जो आप देख रहे हैं, ये हॉस्टल ब्लॉक्स इसमें बने हुए हैं और तरह तरह के एकेडमिक हॉस्टल ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब कुछ है, A to Z, कंप्यूटर साइंस, सारी तरह के आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। हायर स्टडीज़ में भी जो खासकर सार्क नेशन में जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ पे लोगों को हायर एजुकेशन नहीं मिलती है, तो इस यूनिवर्सिटी में आके वो हायर एजुकेशन ले सकते हैं। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत शानदार बनाया हुआ है। ये देखिए चारों तरफ आपके रोड पे जो टाइल्स लगी हैं वो यहाँ पे भी लगाई जा रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा, अंदर भी क्या है इसके, अंदर भी ले जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। इसमें अलवालिया ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है और इसके अलावा शाहपुर जी है, उसने भी काम किया है। देखिए ये जो पूरे ब्लॉक्स हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं सारे, जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ एक ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर अभी भी काम चल रहा है और वो भी मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज है। तो देखिए पेड़ वेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे क्यारियों में। ये देखिए चारों तरफ पेड़ वगैरह लगाने भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी तकरीबन पेड़ लग भी चुके हैं कई जगह पे। एकेडमिक ब्लॉक्स हैं खासकर वो तैयार हो चुके हैं, खासकर जो कंप्यूटर साइंस वगैरह और बड़े बड़े लैब्स वगैरह हैं वो सारे बन चुके हैं यहाँ पे। एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो भी बन चुके हैं। ये सारे दोस्तों एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, आप देख रहे हैं जो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे एकेडमिक ब्लॉक हैं, और यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी। और यहाँ पे जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंस करेगी, तो वो यहाँ पे आके पढ़ेंगे। और 100 एकड़ में प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है साकेत में, उसके जस्ट बगल में है ये यूनिवर्सिटी। और ये मैं बताऊँ काफ़ी शांत माहौल है दोस्तों। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल, ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक का है यहाँ पे, और ख़ासकर पानी वगैरह भी यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। ये देख रहे हैं ये आप, ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वगैरह प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, ताकि इस यूनिवर्सिटी में कभी भी लाइट वगैरह चले जाए तो वहाँ पे लाइट आती रहे। ये दोस्तों ये जो ब्लॉक देख रहे हैं इसके अंदर भी इंटीरियर काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये टोटल मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर टोटल सेंट्रलाइज AC है इसके अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर। देखिए इंटीरियर काम इसमें बहुत फास्ट मोड में चल रहा है।
और काफ़ी सुंदर बनाया है इस यूनिवर्सिटी को। ये देखिए, ये है जो दोस्तों यहाँ पे एक जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो खासकर यहाँ पे शाम को इवनिंग में आके अपने ऑडिटोरियम जैसा बना हुआ है इसके अंदर आप बैठ सकते हैं शाम को, या कोई लेक्चर वगैरह कुछ देना हो तो वो दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाया दोस्तों इसको। ये देखिए, बीच में एक लेक्चर का देने के लिए एक पोडियम तैयार किया गया है, शानदार एकदम। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ऑडिटोरियम में होता है दोस्तों इसी तरीके से इसके अंदर, हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर भी ऑडिटोरियम है, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर भी ऑडिटोरियम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने बहुत कुछ किया। अब ये जो आगे का एरिया है इसको भी प्लेन कर दिया जाएगा जब हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो सामने की बिल्डिंग भी बन चुकी है तकरीबन, इसमें कुछ एक बिल्डिंग है उनके अंदर इंटीरियर काम चला, अदरवाइज़ ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। वही मैं कह रहा था, 15-20% का काम बचा हुआ है जो आप वॉकवे देख सकते हैं, वो भी बन चुका है तकरीबन। और जो फसाड में ग्लासेस वगैरह लगने हैं वो भी लग रहे हैं। और दोस्तों पूरी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कि इंटीरियर का काम भी इसके अंदर तकरीबन हो चुका है। ये देखिए एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स तो नहीं कहूँगा, ये दोस्तों आपका हॉस्टल है। ये जितने भी स्टूडेंट होंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो उनकी कंट्री उनको भेजेगी यहाँ पे, वो आके पढ़ा करेंगे यहाँ पे। बहुत ही शानदार है ये लोकेशन। और इस सबसे अच्छी बात ये कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा मटेरियल भी यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके से लेटेस्ट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ का। स्टूडेंट आके यहाँ पे शाम को ये जो बना हुआ है वॉक पे, यहाँ पे आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं इवनिंग में। और एकदम ही पूरे शहर से आइसोलेटेड है ये एरिया, बहुत शानदार, बहुत शांत वातावरण। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का। थैंक यू दोस्तों।